दोस्तों ये हमने तोड़े हैं कुल 5 आम, जिसमें से ये जो है सबसे छोटा आम है और ये पका हुआ आम है। तो इसे मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ। और ये जो आप 4 आम देख रहे हैं, इसमें से दो आम पका करके अभी शरबत बनाने वाला हूँ पुदीने के साथ, क्योंकि गर्मियों में आम का शरबत पीना सेहत के लिए काफ़ी सेहतमंद होता है। आप लू से बचते हैं और कई सारे इंटरनल फायदे हैं इसके। तो चलिए आम को पकाते हैं और इसे खाते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ये पुदीना के ताज़े ताज़े पत्ते हैं, जो कि मेरी दादी तोड़ रही है और इसे हम लोग मिलाने वाले हैं आम के शरबत में। दोस्तों वैसे आपको ये आम बिल्कुल हरे दिख रहे हैं, लेकिन ये बताऊँ आपको टेस्ट में, तो टेस्ट में ये आम बिल्कुल मीठे हैं। इतने मीठे हैं कि आपको बयां नहीं कर सकता। दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि ये है पका हुआ आम जो कि मैंने अभी भी पका के लाया है, और ये है पुदीने के कुछ हरे हरे पत्ते जिसे मैं शरबत में डालने वाला हूँ। और इसके बाद फिर ये है ग्लास, और ये है नमक, और ये है कुछ फ्रिज के ठंडे पानी, और इसे मैं अभी शरबत बनाने वाला हूँ। और ये 2 ग्लास है जिसपे मैं अभी पीने वाला हूँ, और ये है मेरी ग्रैंड मदर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, एंड वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल देवराज शर्मा, एंड आई एम देवराज। और आपको बता दूं कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, और मैं अभी सो करके उठ रहा हूँ, और ये अभी मैं पी रहा हूँ ठंडे ठंडे पुदीने और आम के शरबत, और इसका रेसिपी आपको मिल जाएगा अभी। तो दोस्तों चलिए आज कुछ खास बात करते हैं आपसे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी आप फिलहाल मेरे इस YouTube चैनल पर वीडियो जो है वो रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन मुझे कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई सारे डिसलाइक मिल रहे हैं कि वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों देखिए, मेरा जो ब्लॉग चैनल है वो मेरा डेली बेसिस पे ब्लॉग चैनल है। मैं जो जैसे करता हूँ वही वीडियो डालता हूँ। फिलहाल मैं भी यहाँ पे गाँव में हूँ, तो आपको बताने के लिए यहाँ कुछ स्पेशल है नहीं, लेकिन मैं अपने आप में एक रेगुलरिटी लाना चाहता हूँ कि कुछ करूँ अपने लिए, कुछ करूँ अपने परिवार के लिए, या फिर कुछ करूँ आप सबके लिए। और वीडियो जो है वो रेगुलर आएगी, भले आपको कंटेंट में प्रॉब्लम हो, लेकिन वीडियो रेगुलर आएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी को सुधारेंगे। फिलहाल दोस्तों यही है, और अपने आप में कुछ नया करना ही एक चैलेंज होता है। मैं अपने आप को ये चैलेंज दे रहा हूँ कि 365 दिन में 365 वीडियो कोशिश करूँगा इस चैनल पर आए, और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा बोलने की स्किल में और सब चीज़ के तरीके में चेंज हो जाएंगे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ अपने लिए, कुछ आपके लिए, और अपने बारे में आपको बताऊँ, और आप भी अपने बारे में मुझे बताएं, कहीं आपसे मिलूँ और तो आप मुझे अपने बारे में साझा करें।